आज जो आपको विपक्ष देख रही है, यही विपक्ष कल पक्ष में थे, आज जिनको आप विपक्ष कह रहे हैं वो पक्ष में थे। शराबबंदी इनके और पूरे यहाँ जो भी राजनीतिक दल हैं सबकी सहमति से शराबबंदी लागू होती है, और शराबबंदी का असर भी दिख रहा है कि शराबबंदी का अच्छा असर है, इम्पैक्ट अच्छी पड़ रही है, लोगों का रहन सहन जीविका उपार्जन हर चीज़ में सुधार हो रहा है, तो शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे समाज के जो लोग हैं कई ऐसे जो कि कम पढ़े लिखे हैं और इस धंधा में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी उनको भी संदेश दिया है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, कम पढ़े लिखे लोग धंधे में लगे नहीं हुए, उनको कुछ वैसे असामाजिक तत्व हैं, वैसे व्यक्तित्व हैं जो उनको शामिल उसमें किए हुए हैं, उनके लिए स्पष्ट नहीं देते कि इसे छोटे मोटे धंधे में न लगे। उनके जीविकोपार्जन के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वो नए तरह की नए स्कीम की शुरुआत कर सकते हैं, नए बिजनेस कर सकते हैं, उनके लिए सरकार उनको लाख रुपया मुहैया करा रही है, तो ऐसे भुलावे में ना आकर के शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करें और अपने जीविकोपार्जन के लिए सरकार की मदद लें और नई शुरुआत करें। शराब माफियाओं का इन दिनों ज़्यादा बोलबाला दिख रहा है, दो गुटों के बीच लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गोलियाबारी हो रहे हैं, ऐसे इन सब चीज़ों को कैसे आपकी सरकार? देखिए, शराबी जो शराब कारोबारी जो है उन पर निश्चित तौर पर शिकंजा अब कसी जा रही है, और शिकंजा कसने के लिए कई मापदंड तय किए गए हैं, स्कैनर, बहुत सारे ऐसे अत्याधुनिक उपकरण हैं जिनको कि अपनाया जा रहा है, बॉर्डर एरिया से जिस तरीके से शराब की खेप आ रही है उनको पकड़ा भी जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि बॉर्डर एरिया से बहुत ही बॉर्डर एरिया पे शराब को पकड़ ली जा रही है, एंट्री नहीं हो पा रही है। पूर्व में कुछ ऐसे थे, हमारे पास उस तरह के उपकरण नहीं थे जिसकी वजह से अंदर प्रवेश कर जाते थे, लेकिन अब अंदर प्रवेश नहीं हो पा रही उस तरह। आपकी भी विभाग की इसमें काफ़ी ज़्यादा भूमिका देखने को मिल रही है, आज मुखिया जी को भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने, किस तरह देखते हैं? निश्चित तौर पर हमारा जो पंचायती राज विभाग है, और बापू की जब हम लोग बात करते हैं, ये ग्राम स्वराज की बात होती है, गाँवों से ही किसी भी चीज़ की आप देख सकते हैं शुरुआत होती है, तो गाँव से ही होती है, और गाँवों में अगर जब शराबबंदी लागू हो जाए, और मैं मानता हूँ कि हमारे ग्रामों में निश्चित तौर पर शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू है, शहरी क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया में कुछ एक जगह पर इस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही हैं, और उन पर भी बहुत जल्द ही शिकंजा कस लिया जाएगा, ये शराबबंदी पूर्ण तरह से बिहार में रहेगी। जिसे अपील कीजिएगा, निश्चित मुखिया जी अपने वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने विंग है, मैं सबसे अपील करता हूँ कि शराबबंदी का के समर्थन में अपनी पूरी ताकत झोंके, और कहीं इस तरह की कोई उस तरह के उपद्रवी तत्व दिखाई पड़ते हैं जो कि शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर टोल फ्री नंबर पर ज्ञात जानकारी दें और उन्हें पकड़ा जाए।